हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। केंद्र मंत्री ने गिनवाए मोदी सरकार की उपलब्धियां, राज्य सरकार को जल जीवन मिशन पर गंभीरता के साथ काम करने की नसीहत दी। जोधपुर सांसद व केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान सरकार से सवाल किया है कि गरीबों के घर में पानी पहुंचे और माताओं बहनों को मटका उठाकर चलने से मुक्ति मिली, क्या ये राज्य सरकार की प्राथमिकता है या नहीं। शेखावत ने नसीहत दी कि अपनी विफलताओं का ठिकरा दूसरों पर फोड़ने के बजाय राज्य सरकार जल जीवन मिशन पर गंभीरता के साथ काम करे। शेखावत यहाँ पत्रकारों को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष की उपलब्धियों और वर्चुअल रैली के माध्यम से जनता से जुड़ने के कार्यक्रम के बारे बता रहे थे। केंद्र मंत्री ने कहा कि पहले राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में पूरे देश का बजट 5,000 करोड़ होता था, लेकिन हम 3.5 लाख करोड़ का बजट लेकर देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचा रहे हैं। राज्य सरकार ने बड़े हुए पैसों को रेवड़ियां बांटने में खर्च किया है। ठीक से आर्थिक प्रबंध नहीं करने के कारण से ये परिस्थिति पैदा हुई। अब वो केंद्र को सामने रखकर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। शेखावत ने कहा कि माताओं बहनों का दर्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझा और जल जीवन मिशन की शुरुआत की। अनेक प्रदेशों ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो जिस गति से काम करने की आवश्यकता थी नहीं कर पाए, वो केंद्र के दिए पैसे को खर्च नहीं कर पाए। दुर्भाग्य से मेरा अपना प्रदेश राजस्थान भी उसमें से एक है। केंद्र ने जो पैसा दिया था उसमें से वो केवल 21% पैसा खर्च कर पाए। मुख्यमंत्री और जलधाय मंत्री ने पत्र लिखा है कि राजस्थान की ग्रांट को 90% किया जाना चाहिए, इससे वो केवल जनता के आगे भ्रम फैला रहे हैं। शेखावत ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और कहा कि पहली बार हुआ है कि गैर कांग्रेसी सरकार को पुनः बहुमत मिला और जनता ने नरेंद्र मोदी से कामना की कि इंडिया मांगे मोर, यानी हम आपसे और अपेक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी सरकारों ने अपने अपने दृष्टिकोण से विकास के कार्य किए, लेकिन पहले जितने भी योजनाएं बनती थी या तो वो धरातल पर उतरती नहीं थी, और अगर उतरती थी तो कुछ चयनित परिवारों तक पहुंचती थी। नरेंद्र मोदी ने सरकार बनने के बाद उस परिभाषा को बदला। हम जो कोई भी लक्ष्य लेंगे वो संपूर्णता का लक्ष्य लेंगे। शेखावत ने अरविंद केजरीवाल सरकार के दिल्ली के अस्पतालों में केवल दिल्ली के लोगों का इलाज कराने के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के जितने भी अस्पताल हैं वो देश के हर नागरिक के लिए खुले हुए हैं। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शीमर की रिपोर्ट।